आखिर मरते हुए कर्ण को देखकर उसके परिवार और उसकी पत्नी ने क्या किया? आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रूसाली का क्या हुआ? महाभारत की कहानी अनेकों रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से भरी पड़ी है। अंगराज कर्ण या कहे सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु की कहानी महाभारत के इन कहानियों में से एक है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन अत्यधिक कमजोर और बलहीन हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का, जब उसकी पत्नी को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रूसाली था। महाभारत में रूसाली का वर्णन एक बुद्धिमान और चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया जाता है। अंगराज कर्ण की तरह ही उसकी पत्नी रूसाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण ही कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर रूसाली से विवाह किया था। रूसाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रूसाली के बारे में बहुत ही कम बताया गया है, लेकिन रूसाली का प्यार और तप किसी भी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्मवान स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रूसाली का क्या हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रूसाली को द्रौपदी के चीर हरण की खबर पहले ही लग गई थी। रूसाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही समझ लिया था। कहा जाता है कि रूसाली ने द्रौपदी के चीर हरण को रोकने का पहले ही प्रयास किया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद रूसाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन कर्ण और रूसाली का एक पुत्र महाभारत के अंत तक जीवित बचा रहा। जब रूसाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, तब पता चला कि कर्ण का दाह संस्कार किया जा रहा है। तब वह भी युद्ध भूमि में पहुंच गई और जब कर्ण की चिता में आग लगाई गई तो रूसाली भी कर्ण के साथ ही सती हो गई। कहते हैं कि रूसाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था। ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे, वृषकेतु, वृषसेन और सुसेन। ये कर्ण और रूसाली के पुत्र थे। वहीं चित्रसेन, शत्रुजय, तिप्पत, प्रसन्न और वंशसेन कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के पुत्र थे। कहते हैं कि रूसाली तो कर्ण के साथ सती हो गई थी, लेकिन सुप्रिया माता कुंती गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कि कर्ण के यह 9 के 9 पुत्र बड़े ही शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र थे और यह सभी अपने पिता कर्ण की तरह ही सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण के इन पुत्रों ने तबाही मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पांडव सेना का संहार किया था। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में अपना वह कौशल दिखाया था जिसे देखकर पांडव योद्धा भयभीत हो गए थे। अपने पिता कर्ण की तरह ही यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि कर्ण और उसके पुत्रों की मृत्यु के बिना वह यह युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के छल और चतुराई के कारण कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी दिन ही कर्ण के 8 पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वृषसेन की मृत्यु का कारण सत्काय बने,
वहीं शत्रुजय द्रिपद को अर्जुन ने मारा। चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन को स्वयं नकुल और सहदेव ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र मारे गए। कहते हैं कि विश्वकेतु कर्ण और वैशाली का एकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता तथा उनके अन्य भाइयों का युद्ध में वध हो चुका था और उसकी माता कर्ण की चिता पर सती हो चुकी थी। वृषकेतु अकेला हो चुका था, उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं रखी। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ ही गुजरा था, इसीलिए उस पर वैशाली का प्रभाव पड़ा। उसने पांडवों के बारे में कभी भी गलत भावना नहीं रखी तथा उसने अर्जुन को कभी भी गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था और साथ ही उसे यह भी ज्ञात था कि कर्ण ने किन परिस्थितियों में दुर्योधन का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। फिर पांडवों ने वृषकेतु को अपने पास बुलाया और सभी पांडवों ने वृषकेतु को बड़ा ही स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में कई वर्षों तक शासन किया तथा वह एक न्यायप्रिय राजा और आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र के बीच में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी तथा उन दोनों ने मिलकर बहुत से युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती को भी युद्ध में परास्त किया था, जो कि उस समय का बहुत ही क्रूर राजा माना जाता था। कहा जाता है कि वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते थे और अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ भी दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उस समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर युद्ध के लिए निकले थे, जहां पर दोनों ने मिलकर कई सारे राजाओं को इस युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद केवल वृषकेतु ही एक ऐसा योद्धा था जो इस धरती पर मौजूद थे जिन्हें सभी दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, इंद्र अस्त्र, नारायण अस्त्र, इन सभी अस्त्रों का ज्ञान था। उसके बाद कोई भी पांडवों के वंश में ऐसा नहीं जन्मा जिसके पास इन सभी अस्त्रों का ज्ञान हो।